गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 12 मई 2021 और शाम के 7:47 हो रहे हैं। आज हम इन्फोसिस को एक रिव्यू करने जा रहे हैं, इनफी को एक रिव्यू कर रहे हैं। मैंने जो कैंडल को ओपन किया है, ये मंथली कैंडल टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन किया है। मंथली कैंडल टाइम फ्रेम पे आप इनफी को देख सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे मार्च मंथ और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो हायर हाई हायर लो हुआ है, लेकिन हायर क्लोज नहीं हो पाया है। अप्रैल मंथ की जो क्लोजिंग है वो मार्च मंथ के कैंडल के अंदर आके क्लोज हो चुका है, और इसी के साथ इसने वैल्यूम भी इंक्रीज किए थे। मार्च मंथ से ज़्यादा वैल्यूम्स अप्रैल मंथ में आए हैं, तो अगर इतना ज़्यादा वैल्यूम आया है सेलिंग का तो इसने मार्च मंथ का लो जो है ब्रेक करके क्लोजिंग करना चाहिए था, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाया, प्राइस यहाँ पे रुक गई है। अब जब मई मंथ में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है तो अभी पोजीशन देख के ये समझ में आ रहा है कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि अप्रैल मंथ का जो लो था आप यहाँ पे डेटा बॉक्स में देख सकते हैं, 1320 रुपये का लो बना था मार्च अप्रैल मंथ में, और मई मंथ का जो लो बना है वो 1314 रुपये 50 पैसे का बना है। मतलब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ से इन्फी नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्स बनाएगा, ये हमको कैसे समझ में आएगा? अभी इसी चार्ट को मैं डे के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। एक कैंडल डे की रहेगी, ये डेली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है। अब सबसे पहले हम मार्च मंथ में जाएंगे। ये मार्च मंथ, एक मार्च यहाँ से मार्च मंथ शुरू हुआ था, तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड जहाँ पे मार्च मंथ खत्म हुआ ये 31 मार्च की ये रेड कैंडल है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब ये मार्च मंथ में आ गए। मार्च मंथ में मुझे जहाँ पे दिख रहा है इस दिन पे 19 मार्च को हाईएस्ट वैल्यूम जनरेट हुई थी, मतलब इस दिन बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करने आए थे। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का मैं नीचे वाला हिस्से को मार्क कर रहा हूँ, ओपन प्राइस एंड इसका जो लो बना था उस लो को मैंने मार्क किया। यहाँ से देख सकते हैं मार्च की जो क्लोजिंग हुई है वो इसी लेवल के ऊपर हुई थी, मतलब एक स्ट्रांग क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ से जब अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने मार्च मंथ का हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गई थी, मतलब एक स्ट्रांग। जब यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई अप्रैल मंथ में तो प्राइस ने यही आके सपोर्ट लेने की कोशिश की, 28 अप्रैल, ये 30 अप्रैल, अप्रैल मंथ यहाँ पे खत्म हुआ। तो अप्रैल मंथ जब खत्म हुआ तो प्राइस ने यहीं पे सपोर्ट लिया हुआ था, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये अप्रैल मंथ का ये बॉक्स। अब अप्रैल मंथ को अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अप्रैल मंथ में ये जो कैंडल थी 15 अप्रैल को हाईएस्ट वैल्यूम इस दिन जनरेट हुए थे, और उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है मार्च के, तो यहाँ पे अलग से मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा लाइन्स। एंड 13 अप्रैल को इसका रिजल्ट लगा था, रिजल्ट लगने के बाद प्राइस गैप डाउन ओपन हुई थी। अगर रिजल्ट इतना ही खराब था तो ये लो तोड़ के नीचे निकल जाना चाहिए था, प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो गया, यहाँ पे लोगों ने इसको होल्ड कर दिया, और इसी लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग इसी के ऊपर हुई है अप्रैल की। अब मई मंथ जब स्टार्ट हुआ तो प्राइस यहीं पे साइडवेज जोन में ट्रेड हो रही है, और आज एक नया लो बना दिया 1314 रुपये 50 पैसे का। अब ये अगर नया लो बनाया तो प्राइस इधर जाना चाहिए था ना, ये अंदर वापस जाके क्लोज हो चुकी है, ऐसा क्यों? आज तो निफ्टी आईटी सेक्टर ने इंट्राडे के हाई से जो ओपनिंग के साथ गिरना स्टार्ट किया तो गिरते ही रहा, सारे आईटी के स्टॉक्स आज लूजर्स में थे, लेकिन इन्फी आज नहीं गिर पाया। अप्रैल मंथ था, अप्रैल मंथ का जो लो है ना वो इस कैंडल ने फॉर्म किया था 15 अप्रैल को, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लो को, इसको मैं अभी ब्लू कलर कर रहा हूं, ये ब्लू कलर। ऐसा नहीं लगता है कि प्राइस मार्च मंथ अप्रैल मंथ के लो के नीचे गई थी, नीचे सस्टेन नहीं हो पाई, अंदर आके क्लोज हो गई, इसी के साथ इसने
कल का जो लो था उस लो के अंदर आके भी क्लोजिंग की है, और इसके पहले जो लो बना था इस दिन 4 मई को, उस वाले लो के अंदर आके क्लोज हो चुका है। और कल हमने इसको एक शॉर्ट ट्रेड किया था, कल हमने इसलिए इसको शॉर्ट ट्रेड किया था क्योंकि यहाँ पे प्राइस हायर वॉल्यूम के साथ नीचे आई थी, तो हमको ऐसा लगा था कि शायद ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया है ये ब्रेकआउट हो जाएगा, प्राइस नीचे निकल जाएगी, लेकिन ये कल गिर नहीं पाया। और आफ्टर मार्केट हमको ऐसा देखा कि यहाँ पे तो वॉल्यूम्स थिन हो गए, विदाउट वॉल्यूम प्राइस गिरी है, इसका मतलब आज भी ये वीक ओपन होके नहीं गिर पाएगा, इसलिए हमने आज इसको ट्रेड नहीं किया, ना लॉन्ग साइड किया ना शॉर्ट साइड किया, हम इसको इंतजार कर रहे थे कि ये शायद इसके ऊपर आके क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे रिवर्सल्स के पैटर्न्स सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, शायद यहाँ से अगर ये रिवर्सल्स बना देता है, इसके ऊपर आके अगर क्लोजिंग कर देता है, तो ये जहाँ से गिरा था कम से कम इस वाले लेवल तक तो ये जाएगा। ऐसा हमको लगता है हमारी स्टडी पर्पस से कि कम से कम ये इस वाले लेवल तक तो भी हिट करना चाहिए, या इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। अब ये जो प्राइस लेवल है इसका लाइफ टाइम हाई बना हुआ है पहले से, तो हम इसके ऊपर कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम ये वाले रेजिस्टेंस को तो भी हिट कर सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, चाहे इस मंथ करे अगले मंथ करे, तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बन सकते हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गई तो ऊपर निकल जाएगा, और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर इसको नीचे जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है, इस वाले सपोर्ट तक आ सकती है प्राइस। ये हमारा एक रिव्यू था, छोटा सा रिव्यू, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, एजुकेशनल पर्पस था, इसे देख के कोई भी ट्रेड ना करे फ्रेंड्स, क्योंकि नुकसान हो सकता है मार्केट में, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसी लेवल्स को जब मैं यहां से अगर देखता हूं 1 मास से, अगर ये लो बना था तो प्राइस कुछ यहां से यहां तक आई थी, यहां से लो तोड़ा था यहां तक आई थी। अब यहां से जब प्राइस ऊपर गई ना तो ये वाले टॉप को ब्रेक नहीं कर पाए, और यहीं से साइडवेज होके फिर एक नया टॉप बना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सीधा यहां से लाइन लेके जाएंगे टॉप पे। अब यहां से जब गिरी प्राइस तो यहां तक गिरी थी, अब यहां से जब उठा तो ये स्टॉप को भी इसने ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने साइडवेज जोन में है, तो आज जो लो बना था यहां से सीधा ये वाले लो था, ये देखो ये जो लो बना था ये लो एग्जैक्टली वहीं पे है, एक कुशल लेवल पे प्राइस ट्रेड हो रही है, और एक इसको एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं, तो यहां से एक प्राइस अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकती है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको स्टडी करना है, इसके साथ जब हम फंडामेंटल्स डेटा को रीड करेंगे तो किस दिन इसको ट्रेड करना है ये भी हमको समझ में आएगा, और वो आपको सीखना पड़ेगा, सिर्फ टेक्निकल्स देख के ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक रिव्यू था छोटा सा इन्फी के लिए, आपको पसंद आए आएगा ऐसा हम अनुमान करते हैं। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स मेरे नए एजुकेशनल वीडियो में, तब तक बाय।